लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई। बहुत अच्छे भाई। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं हूँ इस टाइम जामा मस्जिद के बाजार में, और हमारे पीछे की तरफ उधर जामा मस्जिद है, वहाँ भी हम जाएंगे। पहले बाजार में घूमते हैं, कुछ खरीदेंगे जो भी पसंद आता है। असल मकसद है हमारा यहाँ पे घूमना। रमजान का महीना चल रहा है और हम रोजे से भी है, तो देखते हैं यहाँ पे रमजान में कैसा माहौल है। अफ्तारी भी आज हम यहीं पे करने वाले हैं जामा मस्जिद की तरफ, वो सामने की तरफ। ये देख सकते हो आप, ये है जामा मस्जिद। दोस्तों ये जो ग्राउंड देख रहे हो ना आप, ये वही ग्राउंड है जहाँ पे सुबह सुबह 4 बजे चोर बाजार लगता है। अब यहाँ पे बिल्कुल खाली है, और यहाँ पे इधर की तरफ अभी ये बाजार लगा हुआ है, तो हम यहाँ से अंदर जाएंगे बाजार में। ये 300, ये पर हैंड, ये माली माली, ये 300, ये देख सकते हो दोस्तों, इसको ये पसंद आ रहा है। ब्लैक कलर में ये वाला मिल जाएगा, दिखाना भाई। ये वाला ब्लैक कलर में है, दिखाना भाई एक बार, देखना। देखो ये क्या है, ये नहीं, थोड़ा अलग है इसमें। चलो यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा। देख देख ऊपर देख, छोटे फ्रेम का चश्मा, ये वाला चश्मा निकाल लो। ये चश्मा यो नहीं है वो, इसका फ्रेम अलग है, लेकिन यही तो है ना, है यही है सेम भाई। देखिए इधर, देखिए जरा इधर देख, कैसा लग रहा है? बड़ा लग रहा है, बड़ा चश्मा तो अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा फ्रेम होता ना, छोटा छोटा फ्रेम होता तो बढ़िया रहता है। नहीं मैं ये वाला ले लूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। ठीक है भी। तो फाइनली एक ये चश्मा लिया है हमने, अब देखते हैं कुछ और लेंगे। जूते वूते देखे आप? ये पता है क्या है, इसमें पीछे फोन लग जाएगा और स्क्रीन दिखेगी बड़ी। ये देख यहाँ पे मान लो जैसे, अच्छा भाई। लेकिन इससे एक चीज वो है मेरे पे, मुझे एक डाटा की बिल भी लेनी थी, लेकिन जो उनसे फोन में लगानी वो तो मैं लाया ही नहीं, चेक कैसे करूँगा फिर। चार पीस है तो सही है, एक मैं ले लूंगा, दो मैं ले लूंगा, दो तब ले लियो। दोस्तों एक ले लिया है, इससे ना चार्जर खराब हो जाता है उसमें लगाने के लिए। पहले भी मेरा एक बार चार्जर खराब हो गया था केबल में लगाने के लिए। आप भी पिए, आपके दोस्त को भी पिलाएं। कितने कितने के भैया जूते? 400 रुपए, चार सौ रुपए का जूते है। और ये सच्चे तो तुम जैसे, ये भी बढ़िया है, जींस पहन रहे, जींस पे सही रहेगा ये। अबे ये तो पहन रखे है, ये वही तो है, वो वाला निकाल जो इसके नीचे दबा, ये वाला। हाँ ये भी सही है। आईफोन का कवर है क्या भाई? 14 प्रो। दिखाना कौन सा वाला। दोस्तों मेरे पास आईफोन 14 प्रो मैक्स है, दिखाना एक बार। तो इसका कवर देख रहा हूँ मैं, ये भी चलेगा, ये दिखाना एक बार। ये वाला मेरा है, और भाई ये अगर लगा कवर मुझे पसंद नहीं आया, मुझे चाहिए बढ़िया वाला कवर। और दोस्तों आज जब से मैंने आईफोन लिया है, मेरा पहला व्लॉग है, लॉन्ग वीडियो, ऐसे शॉर्ट वीडियो मैंने इसका बना बना के डाली है दूसरे चैनल पे भी। ये है जामा मस्जिद का गेट नंबर 2, ये देख सकते हो भाई। और ये इसके सामने मीना बाजार लगता है, यहाँ पे जहाँ पे हम घूम रहे थे वो मीना बाजार था। तो दोस्तों आज जो है ना जुमे का दिन है, और ऐसा पता भी नहीं चल रहा आज जुमे का दिन है। जैसा यहाँ का माहौल है, ऐसी भीड़ तो यहाँ पे ना डेली रहती है। जुमे का दिन है तो यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, अफ्तारी में आएगी शाम के टाइम, तो अफ्तारी का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जामा मस्जिद का इतिहास क्या है, कितने इमाम अब तक बदले हैं, कब ये बनकर तामीर हुई थी, कितना इसमें खर्चा आया था, सारी की सारी डिटेल के साथ मैंने इसका व्लॉग अपलोड कर रखा है। जब मैंने चैनल शुरू करा था तो 3रा 4था 5वा शायद मेरा वो वीडियो था जब मैंने अपलोड करा था यहाँ का, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप देखना चाहते हो जामा मस्जिद का इतिहास क्या है, तो आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हो। बहुत सारा अभी ये देख सकते हो, यहाँ पे ना काम भी चल रहा है और इसके अंदर बहुत सारी तब्दीली हुई है। तो फाइनली दोस्तों अब हम गेट नंबर 1 की तरफ आ चुके हैं जामा मस्जिद के। ये सामने की तरफ गेट नंबर 1 है, ये देख सकते हो आप। और ये है जामा मस्जिद के 1 नंबर गेट के सामने वाला जो रोड है ना, ये वही है, ये देख सकते हो। यहाँ पे भीड़ बहुत रहती है, तो यहाँ पे भाई अपनी गाड़ी लेके ना तो आना बेवकूफ़ी है। अगर आप जामा मस्जिद आ रहे हो, चांदनी चौक के किसी भी एरिया में आ रहे हो, कहीं पर गाड़ी कहीं पर पार्किंग में लगा के ही आए। तो लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई। तो देखा दोस्तों आपने, यहाँ पे ऐसे ऐसे कांड होते ही रहते हैं। खाने पीने का जो आइटम है सब इधर मिलता है, होटल रेस्टोरेंट वगैरह जो जामा मस्जिद के जो फेमस है वो सब इस रोड पे है।
और जैसे शाम का टाइम करीब आता जाएगा वैसे ही वैसे यहाँ पे भीड़ बढ़ती जाएगी। अभी भी देख सकते हो इतनी भीड़ तो यहाँ पे डेली रहती है, हर टाइम रहती है इतनी भीड़ तो। और दोस्तों ये है असलम चिकन, पुरानी दिल्ली का जामा मस्जिद का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है ये। इन्होंने एक दुकान अपनी मेरठ में भी खोली है, इसकी दूसरी ब्रांच। तो पूछता हूँ यही वाला है क्या वो, मेरे को तो यही लग रहा है बिल्कुल, फिर भी किसी से पूछता हूँ। चलो अंदर चलते हैं। ये वही रेस्टोरेंट है जिन्होंने मेरठ में भी खोल लिया। अच्छा असलम चिकन है ये। आपने मेरठ में भी खोली दुकान? हाँ मेरठ। अभी तो रोजा है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी रोजा है तो रोजे के बाद ही चेक करेंगे इसको। तो फाइनली ऊपर हम आ चुके हैं, अब चले अंदर, जूते उतार दो यहीं। तो फाइनली दोस्तों हम जामा मस्जिद के अंदर आ चुके हैं। ये देख सकते हो ये कुछ इस तरह का माहौल है यहाँ का। और ये उधर की तरफ वो देख सकते हो वहाँ पे टिकट मिलता है ऊपर मीनार पे जाने का। और मीनार पे जाके आप पूरी दिल्ली को, पूरी पुरानी दिल्ली को देख सकते हो। और अभी यहाँ पे ना काम चल रहा है, ये देख सकते हो उधर की तरफ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इधर की तरफ भी काम चल रहा है। अभी पहले मैंने यहाँ का डिटेल में वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप भी देख सकते हो। तो भाई रमज़ान के महीने में खासकर यहाँ पे पूरे देश से, देश बल्कि विदेशों से भी लोग जब इंडिया में आते हैं, खासकर जब दिल्ली में आते हैं, तो इस मस्जिद को एक बार देखने के लिए ज़रूर आते हैं। सबकी तमन्ना होती है एक बार कि मैं जामा मस्जिद ज़रूर जाऊं, जब भी कोई दिल्ली जाता है जामा मस्जिद और लाल किला। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूं, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो यार,